रूरल सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फर्ड मार्शल अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द मटीरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींगनॉमिक्स में भी देखें ह्यूमन बींग और वेलफेयर इनका मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है अकॉर्डिंग टू रॉबन इट इज़ अ स्टडी ऑफ चॉइस एंड स्कासिटी लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स ये इकनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है ये किस चीज़ की साइंस है कि विद इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे आपको पता है कि हर जगह पे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन वांट्स जो इंसान की डिज़ायर होती है वो अनलिमिटेड होती है. तो अनलिमिटेड डिज़ायर के साथ लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे रहना है या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस की मौजूदगी में लिमिटेड uh, रिसोर्स की मौजूदगी में हमने अनलिमिटेड वांट्स में से प्रायोरिटाइज करना है कि इसमें हमें uh, कौन सी जो हमारी डिज़ायर्स हैं कौन सी वांट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है तो इकनॉमिक्स इस चीज़ की साइंस है सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड वांट्स और उसके लिमिटेड रिसोर्स पे इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसकी जो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए इस चीज़ की साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं टू स्टडी द मैकेनिज़्म एंड रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये वही बात जैसे हम रिसोर्स और रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये स्टडी है उस मेकनिज़म की इकनॉमिक्स के साथ हम वो मैकेनिज़्म स्टडी करते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रख सके आगे से डिमांड कितनी है ह्यूमन बींग की और पीछे से हमारे पास सप्लाई कितनी मौजूद है तो हमारे पास रिसोर्स कितने मौजूद हैं इंसान की डिमांड कितनी है रूरल एरिया की हम बात करें तो रूरल एरिया की हेल्थ की डिमांड किस लेवल की है हम वहाँ पे कितनी डिस्पेंसरीज होनी चाहिए वहाँ पे कितने हॉस्पिटल होने चाहिए उस रूरल एरिया की पॉपुलेशन कितनी है तो उसके हिसाब से हमें सप्लाई वहाँ पे क्रिएट करवानी है वहाँ पे कितना बजट चाहिए मेडिकल का बजट वहाँ पे एजुकेशन का कितना बजट होना चाहिए तो इस डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस रखने की साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं टू स्टडी सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर विच इन्वॉल्व इन डिमांड एंड सप्लाई ये दूसरा फैक्टर हमारे पास सामने आया कि जो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म में उसको भी इकोनॉमिक स्टडी करती है टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन एक रूरल एरिया में इसकी हम चूँकि लिंक रूरल सोशोलॉजी के साथ कर रहे हैं इसलिए हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो वो जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को भी हम इकनॉमिक्स कहते हैं जैसे फेमस सोशोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स हैव और हैव नॉट की बात करते हैं कि एक तबका हमारी सोसाइटी का ऐसा है जिसके पास सब कुछ मौजूद है जो लैंड ऑनर है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हैव तबका कहते हैं हम उनको दूसरा तबका है जो हैव नॉट है जिसके पास कुछ मौजूद नहीं है जो रूरल एरिया में भी लैंड का जिनके पास ज़मीनें हैं जागीरदार हैं या जो अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास जो काम करने वाला तबका है जो लेबर तबका है उसको हैव नॉट कहा जाता है तो दोनों तबके की अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दोनों तबके की ये कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करें हैव की यही कोशिश होती है कि हम सिर्फ जो लेबर क्लास है उनसे अपना काम लें उनको मिनिमम वेज दें और बस बात ख़त्म जो प्रोडक्ट वो बना रहा है जो प्रोडक्ट वो जिसमें लेबर काम कर रही है जिस प्रोडक्ट पे उसमें एक सिंगल भी प्रोडक्ट पे उस काम करने वाली लेबर का किसी तरह का कोई हक नहीं होता अगर वो फार्म की हम बात करें तो फार्म में अगर आज सिट्रस एरिया है तो सिट्रस जो पिक करते हैं जो लेबर होती है उनका एक सिट्रस पे एक ऑरेंज पे भी कोई हक़ नहीं होता कि वो अपने बच्चों के लिए भी एक ऑरेंज लेके जाए वो सारे के सारा राइट right जो है हमारी सोसाइटी में आ, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो लैंड का राइट right होता है तो कार्ल मार्क्स ने यही बात की थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हैव और हैव नॉट की और डिस्पैरिटी इन इनकम की बात की थी उसने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेल्थ की बात की थी कि इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करके हम अपनी सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं सोशो इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकम डिस्पैरिटी की बात हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं सोशोलॉजी रूरल सोशोलॉजी और इकनॉमिक के तहत एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स की जहाँ तक हम बात करें तो एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स ऑफ विलेज डील्स विद वे एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाई यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड बेटर सीड्स एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स भी बेसिक जो आ, हम डेफिनेशन इकनॉमिक्स की कहते हैं उसी पर काम करती है एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स लेकिन उसका लिंक होता है विलेज एरिया में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इन्हांसमेंट की बात करते हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवा के उसकी टेक्नोलॉजी को इनहांस करना उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करना उसमें सीड्स प्रोवाइड करके सीड्स की अवेयरनेस दे के प्रोडक्शन को इन्हांस करना फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन रूरल विलेजेस एरिया की हो रही है क्रॉप की प्रोडक्शन उसको मार्किट में सेल करने के हवाले से जो मैकेनिज्म है जो चैनल है मार्किट करने का उसको भी डिस्कस एग्रीकल्चरल इकनॉमिक्स में ही किया जाता है बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स की उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक हम रूरल साइकोलॉजी रूरल कल्चर रूरल ट्रेडिशन को समझ ना सकें हमें जब तक पता ना हो कि रूरल कल्चर क्या है रूरल ट्रेडिशन क्या है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट लेके आया है नई टेक्नोलॉजी नया सीड लेके आया है नया मार्केट का तरीकाकार लेके आया है और उस विलेज का वो ट्रेडिशन ही नहीं है वो बाहर से किसी आए वाले बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं करते बाहर वाले बंदे की कोई बात ही नहीं सुनते और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे ही बरकरार रहते हैं सो ये सारी चीज़ें उस वक़्त तक पॉसिबल नहीं होंगी जब तक एक रूरल सोशोलॉजिस्ट रूरल कल्चर को रूरल ट्रेडिशन को स्टडी करके उनको नहीं बताता इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट ऑलवेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती हैं सोशल लाइफ से विलेज एरिया में तो इट कैन बी डन ओनली बिकॉज ऑफ रूरल सोशोलॉजी ये सिर्फ रूरल सोशोलॉजी की वजह से हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे कि हम एग्री इकोनॉमिक्स की आ, जो स्टडीज़ हैं उनमें भी इसको हेल्प आउट किया जा सके हम कह सकते हैं और बड़ा स्ट्रांगली कह सकते हैं कि रूरल सोशालोजी का एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स और इकनॉमिक्स के साथ बहुत कंप्लीट एक आ, ना टूटने वाला रिलेशन है